भारतीय भाषा आंदोलन का राम रियल एस्टेट कंपनी के डायरेक्टर की अगुवाई में हुआ जोरदार स्वागत। अयोध्या लखनऊ से अयोध्या आए भारतीय भाषा आंदोलन यात्रा का स्वागत बेनीगंज चौराहे के पास रियल एस्टेट कंपनी द्वारा फूलों की बरसात करके व भारतीय भाषा आंदोलन के अध्यक्ष एडिशनल एडवोकेट अरुण भारद्वाज को फूलों की माला पहनाकर किया गया। इस दौरान स्वागत करने वालों में भारतीय भाषा आंदोलन यात्रा के समर्थकों में गजब का उत्साह देखने को मिला। स्वागत करने के बाद राम रियल एस्टेट कंपनी के डायरेक्टर अमित पांडे व राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि भारतीय भाषा हिंदी को न्यायिक कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए है। जो ये यात्रा निकाली गई है वो काबिले तारीफ है। जिस तरह से अयोध्या की सीमा से लेकर शहर के हर चौराहे पर इस यात्रा का स्वागत हुआ, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदी भाषा की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये एक सरल भाषा है जो हर आसानी से कोई बोल व समझ लेता है। इस भारतीय भाषा आंदोलन यात्रा में मुख्य रूप से अरुण भारद्वाज एडिशनल एडवोकेट जनरल अध्यक्ष भारतीय भाषा आंदोलन आशीष राय मराणी खत्री मंत्री प्रभात रंजन कोषाध्यक्ष पूनम गौड़ राष्ट्रीय महिला प्रमुख प्रशांत वर्मा उपाध्यक्ष हरि गोविंद उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मंत्री एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसलिंग हाई कोर्ट लखनऊ के अलावा स्वागत करने वालों में जिला अध्यक्ष करुणाकर दुबे कोषाध्यक्ष विष्णु मिश्रा जी श्री प्रकाश सिंह दिनेश सिंह रजनीश सिंह रामशंकर तिवारी अजीत प्रताप सिंह अमित राम त्रिपाठी हर्षित श्रीवास्तव देवा रवि साधु यादव आदि लोग शामिल रहे। अयोध्या से नौशाद आलम की खास रिपोर्ट। आज लखनऊ से चल करके आई भारतीय भाषा आंदोलन की यात्रा को यहाँ राम रियल इस्टेट कंपनी की तरफ से उस यात्रा का स्वागत किया गया है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो लेकर के लोग निकले हैं उसका मेन उद्देश्य यह है कि जो न्याय हो, जो अभी तक आंग्ल भाषा प्रचलित है कोर्ट में कहीं भी, तो उस भाषा को हटा करके हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, उस भाषा में न्याय हो, उस भाषा में सारे फैसले हों और इसी भाषा की प्रचलित यही भाषा हमारी मुख्य रूप से हो। तो अधिकतर हमारे अधिवक्ताओं ने ये बीड़ा उठाया है, जो विद्वान अधिवक्ताओं ने, कि ये हमारी यात्रा जन जागरण यात्रा है और पूरी जनता का एक सहयोग लेने की कोशिश की गई है कि भारतीय भाषा के महत्व को पुनर्जागृत करने की दिशा में ये यात्रा लखनऊ से लेकर के राम की पैड़ी तक के लिए चली गई है। राम रियल इस्टेट कंपनी ने जो अयोध्या के क्षेत्र में एक बहुत ही प्रचलित और बहुत ही सुयोजित कंपनी खुली है, जो उसके इस रियल इस्टेट के क्षेत्र में वो भी लगातार सामाजिक कार्यक्रमों में उसकी सहभागिता बनी रहती है और उसने उसी के तहत इस यात्रा का स्वागत किया। रामकृष्ण गुप्ता। सियासी गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक एंटरटेनमेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चढ़ाव तक मंदिरों में बजती घंटियों से लेकर दरगाह की नमाज तक जुर्म के दलदल के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश। यहां हर खबरें उगलेंगी, हर कातिल के राज खबरें नहीं, खबरों का सटीक विश्लेषण। तो क्या आप देख रहे हैं अखंड न्यूज़ 24।